वेलकम बैक टू माई चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए आज हम चेक करेंगे कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। चेक करेंगे और गाइडेंस भी लेंगे कि आपको जून मंथ में क्या करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी की ओर आप बढ़ने वाले हो, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे। स्पिरिचुअल मतलब ये नहीं कि पाठ पूजा करने लग जाओगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना स्टार्ट करोगे और ज़्यादा ध्यान आप इसकी ओर लगाना स्टार्ट करोगे। तो चलें देखते हैं और यूनिवर्स से पूछते हैं। यूनिवर्स दीजिए कार्ड और बताइए मेरे व्यूवर्स के जून मंथ में लव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है जून मंथ में इनकी लव लाइफ में, कैसा रहेगा इनका जून मंथ, गाइड कर दीजिए। तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं कि क्या आने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, महादेव, ये शिव शक्ति, हे भोलेनाथ। देखते हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओह वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। क्या लगता है आपको? खुश तो बहुत हो गए तुम लोग अब तो कार्ड समझ आने स्टार्ट हो गए हैं ना, इतनी सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो। और यूनिवर्स, हाँ जी, बहुत कुछ आने वाला है, चेंज। ओके, दोस्त मैरियो निकल कर आए हैं यहाँ पर। अकड़ के ही बैठे रहेंगे भाई साहब। बहुत अच्छी प्रेडिक्शन यहाँ पे निकली है आपके लिए जून मंथ की। यस, अब तो खुश हो जाओ, जल्दी से लाइक करो अभी इस एनर्जी को, जल्दी 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 से लाइक करो अपनी दीदी के लिए, सपोर्ट करो मेरे चैनल को। ओके, तो जून मंथ आपके लिए क्या लेके आने वाला है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, सबके लिए है, किसी स्पेशल के लिए नहीं है। यहाँ मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग डेज आपके जो पहले 10 डेज होंगे, जून के पहले 10 डेज जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। सेटिंग कर दो उनकी। ओके, ठीक है जी। ये भाई साहब आएंगे बीच में एंड ऐसे होने वाला है। ओके, तो आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। ये ऑल ज़ोडियक साइन के लिए है, सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। चलें बात करते हैं, वैसे तो बहुत सी गुड न्यूज़ आने वाली हैं जून मंथ में। ओहो, शादी के प्रपोजल आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो पहले 10 डेज आप होने वाले हो निराश, क्योंकि आप हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप काफ़ी नेगेटिव हो जाओगे स्टार्टिंग के 10 डेज में। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। क्यों पसंद नहीं आएगा दी? हम क्या करें अब इसका, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है आपको, बस अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। स्टार्टिंग के 10 डेज आप काफ़ी एंजाइटी फील करोगे, क्योंकि टावर कार्ड आया है एंड 8 ऑफ कप्स आया है। आपके पार्टनर पूरी जी तोड़ जान लगा देंगे मूव ऑन करने की। यस, अरे टेंशन मत लो, आगे के कार्ड भी तो देखो, सुनो। तो ऑल ज़ोडियक साइन है, ठीक है? तो यस, डेफिनेटली पहले के 10 दिन आपके काफ़ी बर्डन भरे होंगे, काफ़ी टेंशन होगी, कि रेस्टलेस फील करोगे, नींद का तो नाम निशान ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप ना बहुत डेस्परेट हो जाओगे जैसे ही जून का मंथ स्टार्ट होगा। आप इस टावर कंडीशन के कारण, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कारण आप ना इस एनर्जी में चले जाओगे, मींस कि आप ना बहुत रेस्टलेस हो जाओगे, एंजाइटी हो जाएगी, आप बहुत ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने पार्टनर के बिहेवियर से ना चिढ़ से जाओगे कि मतलब कि इसको क्या करना है, ये आता क्यों नहीं है, ये आती क्यों नहीं है, क्या है इसका रीज़न। मतलब आप ना इसी बातों को सोचते हुए ओवरथिंक करना स्टार्ट कर दोगे, जिसके कारण आप रातों को नहीं सो पाओगे, काफ़ी एंजाइटी, घबराहट, चिड़चिड़ापन स्टार्टिंग में आप अपने आप में देख सकते हो, ठीक है? ये जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर जून मंथ में काफ़ी बिजी होने वाले हैं एंड
ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, इस मंथ ये काफ़ी बिजी रहने वाले हैं एंड आपको फिर से इग्नोर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस मंथ फिर ये अपने काम को प्रेफरेंस देंगे। मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इस जून मंथ में काफ़ी बिजी होने वाले हैं, काफ़ी इनका कोई टारगेट है जो इन्होंने कंप्लीट करना है, तो ये आपकी ओर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर नाइट टाइम पे ये आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत क्रेव करेंगे आपको मिलने के लिए। आप नेगेटिव हो जाओगे, आपके पार्टनर पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये टाइम देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये पहले 10 दिन की बात मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट 20 डेज आपकी लाइफ में आने वाला है एक बदलाव। कोई फंक्शन आने वाला है, किसी पार्टी में आप जाने वाले हो जून मंथ में, या सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि किसी का बर्थडे हो सकता है जून मंथ में, आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। तो यहाँ आपको कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि हमारा जो बॉटम ऑफ डेक आया है वो है 8 ऑफ वैंड्स। अब आ गए हैं एक्शन कार्ड। तो यहाँ मुझे जब 10 डेज आप अच्छे खासे बीमार हो जाओगे ना, सोच सोच कर पागलपन की हद तक आप इतना ओवर थिंकिंग कर लोगे कि आपको ना बस होगा कि अब मैं इस रिश्ते से मुझे मूव ऑन करना है, मुझे इसकी वेट नहीं करनी है, बहुत हो गया, बहुत कर लिया, अब मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। लेकिन आफ्टर 10 डेज जो आने वाले नेक्स्ट 20 डेज होंगे वो काफ़ी आपके अच्छे होंगे। आपको अपने पार्टनर की तरफ से, यस डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स को शादी के लिए प्रपोजल भी आ सकता है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। क्योंकि 10 डेज में जब आपके पार्टनर अपनी काम की ओर बहुत फोकस हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ही आपके बारे में सोचेंगे, इस रिलेशन के बारे में सोचेंगे और आपके लिए बहुत लव फील करेंगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी। आप इन तीन चीज़ों में झूलते रहोगे, एंजाइटी डिप्रेशन में रेस्टलेस रहोगे, क्योंकि आप वेले हो ना, आप तो कोई काम करते नहीं हो, तभी तो मैं कहती हूँ अपने आप को बिजी रखो। और दूसरी तरफ अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखूँ, ये अपने आप को बिजी तो रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने काम की ओर ज़्यादा फोकस देंगे, जिसके कारण ना ये इनको कहीं ना कहीं से अंदर से रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मैं एक तरफ ही काम करता जा रहा हूँ, उसको मैंने निगलेक्ट करके रखा है, उसको अपनी लाइफ से निकाल के रखा है। जबकि ये इनको अंदर से ये फील होगा कि नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ इसी के साथ है, मैं इसी के साथ शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ। ये चीज़ें इनकी बढ़ने वाली हैं। ओवर थिंकिंग करते हुए ये भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव वे में ओवर थिंक करेंगे एंड यहाँ तक कि इनका जो प्यार है वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको नेक्स्ट 10 डेज के बाद, आफ्टर 10 डेज आपको 20 डेज के अंदर आपके पार्टनर की ओर से कोई पॉजिटिव जेस्चर देखने को मिल सकता है। अगर आप में से किसी का बर्थडे है तो आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको बर्थडे विश कर सकते हैं, आपको उनका मैसेज रिसीव हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये सिर्फ आपको मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, आपको मैसेज करेंगे एंड आपको बर्थडे विश कर सकते हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है कि ये ऐसे सोच सकते हैं कि पहले मैं ऐसे मैसेज करके देखता हूँ या देखती हूँ कि सामने वाले का रिएक्शन मुझे क्या आता है। ठीक है, तो आपके आपको जून मंथ में आपके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है एंड फिर क्या होगा, आपकी बातें स्टार्ट हो जाएंगी एंड धीरे धीरे मुझे इस तरह से लग रहा है, क्योंकि सन कार्ड आया है, ये रिलेशन पॉजिटिव वे में चला जाएगा। यस, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपको बहुत कुछ बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये था, वो था, सिली एक्सक्यूजेस भी देंगे एंड यहाँ पे मुझे माइंड गेम भी दिख रही है कि आपको पाने के लिए, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए आपके पार्टनर कुछ झूठ बोलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ आपका जून का मंथ, जैसे मैंने आई थिंक कल या परसों की रीडिंग में बोला था कि बहुत से लोगों का यूनियन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, तो यस डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में, मुझे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स का
रियूनियन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कार्ड आया है द सन कार्ड, जो कि बताता है खुशियों को, एंड यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स आया है। मे बी जून के मंथ में आपको 111 नंबर बहुत दिख सकता है, 111 नंबर बहुत दिख सकता है, एंड हो सकता है आपको 369 या 936 नंबर बहुत दिख सकता है, जो मुझे ऐसे लग रहा है। आपको अपने पार्टनर का नाम नज़र आ सकता है, उनके रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपको उस मंथ में नज़र आ सकती है। तो यस, जून मंथ आपके लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ रहा है। अगर आपने कहीं अप्लाई करा है अपने जॉब के लिए, तो आपको अपनी जॉब मैसेज आया है, तो आपको मैसेज आने वाला है, तो आपको अपनी आपको अपनी जॉब के लिए अगर आपने कहीं अप्लाई करके रखा है, तो उस जॉब से आपको ऑफर लेटर आ सकती है, शादी का प्रपोजल आ सकता है, एंड नेक्स्ट मंथ अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी आपकी जीत होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जस्टिस होता हुआ नेक्स्ट मंथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं हम यूनिवर्स की, प्यारे एंजल्स की, कि नेक्स्ट मंथ आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हो, तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, अपने आप को बिजी कर दो, अपने पार्टनर की ओर सोचना कम कर दो और अपने लिए सोचना ज़्यादा कर दो, ठीक है। माफ़ कर दो उनको, ठीक है, जो भी किया उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। तो माई डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करोगे कि नेक्स्ट मंथ इनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। ये तो बहुत सारे आ गए। इन द न्यू फ्यूचर कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेशन आने वाला है, एंड यस, इस दौरान अगर आप कोई क्वेश्चन सोच रहे थे तो उसका आंसर यस है। नियर फ्यूचर आपके लिए कॉल आती हुई, मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। तो यस, इस दौरान अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा था, ऐसे ही कोई थॉट भी आया था, तो उसका आंसर यस है। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, बिग हैप्पी चेंजेस, क्योंकि सन कार्ड आया है, आपको कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आपको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। यस, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है अपनी नेगेटिव सिचुएशन से, अपने नेगेटिव थॉट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप चाहते हो कि आपको बिग हैप्पी चेंजेस देखने को मिले अपनी लव लाइफ में, तो जल्दी से आपने इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस वीडियो को अपने लाइक करते हुए क्लेम करना है इस एनर्जी को, और आप सब ने जो भी ये वीडियो देखेगा, आप सब ने कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखना है, डिवाइन 111 ज़रूर लिखना है, या आप ये लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ 111, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो कि ये ऊर्जा आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए, नेक्स्ट मंथ आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, आपके शादी के लिए प्रपोजल दे दें, एंड जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। तो क्या लिखना है, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ 111, तो ज़रूर से लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, एंड हो सके अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बहुत खूबसूरत सी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, एंड आपने इनको ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट करना है। पॉजिटिव हो जाओ, अभी से पॉजिटिव हो जाओ, अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है, आपने अपने बारे में सोचना है। आप लिख सकते हो, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ। अपने आप को ऐसी अफर्मेशन दो, अपने आप को ब्लेसिंग देनी स्टार्ट करो, तो आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, और कॉल मैसेज आपके पर्सन का जून मंथ में आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।